अनादि मूल अक्षर सद्गुरु श्री गोपाळानंद स्वामी ना परचा प्रतापी हनुमान जी नी स्थापना। एक वार स्वामी सारंगपुर पधार्या हता, त्यारे वाघा खाचरे स्वामी ने बहु प्रार्थना करी, जे स्वामी अमे व्यवहारे बहु दुर्बल छीए अने प्रसादीनु गाम जाणी ने देश परदेश थी संतो अने हरिभक्तो बहु दर्शने आवे छे, तेमने सीधु आपवामां घणी अगवड़ता पड़े छे, माटे कृपा करीने अमने सुखिया करो तो सारू। स्वामी कहे, ल्यो तमने एक भाई करी आपू एटले कशी वातनी अगवड़ता नहीं रहे। एम कहीने स्वामीए बोटादना काना कड़िया ने बोलावीने कह्यूं, जे तू एक हनुमानजी घड़ी आ। त्यारे कड़ियाए कह्यूं, जे स्वामी मने चित्रता आवड़तू नथी। पछी स्वामीए हनुमानजीनी मूर्ति चित्री आपी, पछी कड़ियाए मूर्ति तैयार करी। स्वामीए मूर्तिनी प्रतिष्ठा माटे तैयारी करी, वेदोक्त विधिथी हनुमानजीनी प्रतिष्ठा थई रही हती। ते वखते स्वामीए जेष्टिकाना टेके दाढ़ी टेकावीने हनुमानजी सन्मुख उभा रहीने दृष्टि द्वारा त्राटक कर्यू, तेथी हनुमानजीनी मूर्ति थरथर ध्रुजवा लागी। स्वामी ने संकल्प थयो, जे हाजरा हजूर मूर्तिमान हनुमानजी पधारे एटलू ऐश्वर्य मेलवू छे। ते वखते गाम धोलेराना पूंजाभाई गरासिया अने बोटादना शेठ भगा दोषी वगैरे हरिभक्तोए स्वामी ने प्रार्थना करी के, स्वामी हनुमानजी मां एटलू ऐश्वर्य मेलशो तो गढ़पुर गोपीनाथजी महाराज अने धोलेरे मदनमोहनजी महाराजना दर्शने कोण जाशे। त्यारे स्वामीए पोतानी वृत्ति खेंची लीधी, शुकमुनि पासे हनुमानजीनी आरती उतरावीने स्वामीए आवो ऐश्वर्य मूर्तिमां मूक्यू, ते आज सौने प्रत्यक्ष जणाय छे। जेमना पधरावेला देवमां आटलो प्रताप छे, तो ते पधरावनार पुरुषमां केटलो प्रताप हशे। जे वखते हनुमानजी पधराव्या ते वखते गोविंदानंद स्वामी स्नान करवा गया हता, ते आव्या त्यारे गोपाळानंद स्वामी कहे, हनुमानजीना दर्शन करी आवो। पछी हनुमानजीने पगे लागवा गया, बेसीने पगे लाग्या त्यारे हनुमानजीए गोविंदानंद स्वामीना हाथ झाल्या अने कह्यूं, जे तमारे मने बेसीने पगे न लागू, केम के तमे गोपाळानंद स्वामीना सेवक छो अने हूँ पण गोपाळानंद स्वामीनो सेवक छू, माटे आपणे बन्ने गुरु भाई कहवाईए। ए प्रमाणे हनुमानजीए प्रत्यक्ष गोविंदानंद स्वामी साथे वात करी अने पछी गोपाळानंद स्वामीए वाघा खाचरने कह्यूं, जे हवे तमारे हनुमानजीनी मानतानी सेवा आव्या करशे। आम गोपाळानंद स्वामीए हनुमानजीनी प्रतिष्ठा करी वाघा खाचरनू दारिद्र टाळ्यूं।